हे गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है वो शाम के समय में मैं निकला हूँ और समुद्र की आप देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। और इस बीच का नाम है जो मेन अंजुना बीच है। अंजुना बीच आपने, मैंने आपको एक पहले एक ब्लॉग दिखाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अंजुना बीच, वो अंजुना रॉक बीच है, वहाँ पर आप स्विम नहीं कर सकते, वहाँ पर कश्ती का ऐसा कोई ऐसा सुविधा नहीं है। लेकिन हाँ, ये वो बीच है जहाँ पर आप स्विम कर सकते हैं। और अंजुना का जो मेन बीच है वो यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शेक्स मिलेंगे, चीज़ें मिले, मतलब होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे नाचने, खाने पीने के लिए, माफ़ कीजिएगा, नाचने के लिए भी, अगर आपको यहाँ पर डांसिंग वाला कुछ ऑप्शन मिलेगा। ऑलराइट, सो व्हाट आई वाज सेइंग के मतलब ये देखिए आप, यहाँ की जो रौनक है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी रौनक है। हालाँकि जिधर से मैंने शुरू किया वहाँ पर इतने लोग नहीं थे, बट आई हैव स्टार्टेड इट राइट फ्रॉम द मिडल आई थिंक। लेकिन द मेन अंजुना बीच जो है वो यही है और जिधर से इसकी मेन एंट्रेंस होती है। और आई ऑलवेज यूज़ टू से इन माई ब्लॉग्स, मैं आपको बताता हूँ कि जो जो बीचेज़ हैं गोवा में उनकी कोई एक मेन एंट्रेंस नहीं है, तो अलग 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 छोटे एंट्रेंस भी हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में हैं और कौन सी लोकेशन आपके लिए ईजी रहेगी कि आप जो हैं उस लोकेशन को फॉलो करते हुए अंजुना बीच पर आए। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू हियर। और यहाँ की जो रौनक है उस समय, खासकर जो समय है वो शाम का समय है, और शाम के समय में आना थोड़ा सा ठीक रहता है क्योंकि गर्मी जो होता है वो थोड़ा कम रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग एंजॉय वगैरह भी कर रहे हैं। और थोड़ा सा आगे जो जिधर ये भीड़ जैसी है ना, थोड़ा उस तरफ चलेंगे ताकि लोग जो हैं वो जो एंजॉय कर रहे हैं वो आपको मैं दिखा दूँ। सो वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू कि ये अंजुना बीच है। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि कंडोलिम बीच उसके बाद आता है अपना कलंगकोट बीच, उसके बाद आता है बागा बीच, उसके बाद आता है अंजुना बीच। ये थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, इस प्रकार के शेक्स आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ से आप देखना शुरू कर दोगे कि यहाँ पर आपको भीड़ जो है, थोड़ा भीड़ जो है वो बढ़ जाएगी। और यहाँ पर भीड़ के साथ आपको रोने के ज़्यादा मिलेंगी। नज़दीक जाते हैं रेलवे किश्ती वाला जो सिलसिला ये दिखते हैं। सभी गई बढ़ते हैं आगे। का और नज़ारा लेते हैं। और लहरें जो हैं भाई साहब यहाँ तक आ रही हैं और लोगों की जो चेयर्स है वो यहाँ तक उन्होंने बिछा रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी भीड़ भाड़ वाला थोड़ा एरिया आ गया। और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं जो हैं वो भी साथ साथ हैं। तो एक्चुअली आई वॉन्टेड टू गो दैट साइड ताकि आपको समुद्र भी दिखा सकते हो, साथ साथ जो लोग बैठे हुए वो भी आपको। Thank you.
शायद ये भी हो सकती है कि उन ऐसा नहीं है कि वो जो बीचेस हैं वो अच्छे नहीं, ऐसा नहीं, उसकी वजह ये भी हो सकती है कि शायद उस समय दोपहर का समय था जब मैं ये ब्लॉग बना रहा था, बट शाम के समय ऑब्वियसली लोग जो है वो गर्मी से बचने के लिए बाहर नहीं निकलना चाहेंगे और उसी ही कारण क्या करेंगे कि मतलब शाम के समय ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो आप देख सकते हैं आगे बढ़ते जी हो थोड़ा सा, और मैं ये कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मतलब यहाँ पर मुझे भीड़ दिख रही है वहाँ तक मैं जाया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बीच उतना तक जो होगा वो रौनक से भरा हुआ होगा, बट वेयर देर आई फाउंड द पीपल आर लेस वहाँ पर फिर मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगा। बट ये इन्जॉयबल जो बीच वॉक है आप वो इन्जॉय कीजिए। यही मुझे कैसा बीच लगा जिसके जो होटल्स हैं या शेक्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी ऊंचे हैं, और उसकी वजह शायद ये होगी कि शायद यहाँ पर जो एरिया है बीच का वो ऐसे नीचे I don't know how to say that इसी प्रकार का कुछ हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, और यहीं पर मेरे ख्याल से आगे थोड़ा सा मैं और जाऊँगा एंड देन आई विल कम बैक, और आते हुए भी हम थोड़ा सा ज़रूर जो है वो कवर करेंगे यहाँ का बीच का नज़ारा, क्योंकि आगे थोड़ा सा कम है, और हालांकि अगर मैं उस पार देखूँगा आई एम नॉट श्योर दैट इफ़ यू आर एबल टू सी दैट इन योर स्क्रीन, बट उस पार भी कुछ है लेकिन वो इतना ज़्यादा वहाँ पर भीड़ नहीं है। सो व्हाट आई विल डू दैट आई विल सिंपली रिटर्न फ्रॉम हियर, और वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो रॉक वाले स्पेस पर वहाँ पर बैठे हुए हैं। If you see them,
कुछ ब्लैक सा है और वहाँ पर रॉक वाला कोई सिस्टम है, तो वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। ऑल राइट, सो आई थिंक आई विल टेक माई टर्न बैक फ्रॉम हियर। दिस विल बी नाइस प्लेस टू टेक टर्न बैक। ओके गाइस, सो ये था हमारा कलंगुट, माफ़ कीजिएगा, तो ये था हमारा अंजुना बीच और यहाँ पर आपको देखेंगे ओशन में जो लोग हैं वो थोड़े से कम हैं। और मैं अब क्या करूँगा कि थोड़ा सा पहले मैं बीच के साथ साथ चल रहा था, नाउ आई विल वॉक थ्रू द पीपल, ताकि क्या है कि जो लोग यहाँ पर बैठे हैं वो भी आप उनको भी देख सको। तो इस प्रकार के जैसे मैंने आपको बताया होटल्स होंगे, और जैसे मैंने आपको कहा काफ़ी ऊँचे हैं, और उनके साथ साथ आपको नीचे ऐसे कुछ चेयर्स वगैरह जो हैं वो मिल जाएंगी बैठने के लिए। और ये थोड़ा ढलान जैसा लग रहा है, कलंगुट बीच भी ऐसे, माफ़ कीजिएगा, कंडोलिम बीच भी थोड़ा सा ऐसे ही, पर ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। आप भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, पॉइंट रॉन्ग कर रख लें। तो ऐसा ही मैंशन यू कि पहले मैं कोशिश किया कि मैं बीच के किनारे किनारे से जाऊँ, और अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं बीच में सोते हुए जाऊँगा और रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको थोड़ा क्लोजली से क्लोजली देखेंगे। हालांकि वो ऊँचे हैं, देख तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि बीच से होते हुए जाऊँगा, लोगों के बीच से होते हुए। तो रेस्टोरेंट्स काफ़ी, मतलब अच्छा बीच है, ये भी काफ़ी बड़ा बीच है, लुक्स लाइक बिग बीच, यहाँ पर लोग भी हैं। एक बार फिर से करना वो। ऑलराइट, कुछ ऐसे भी अगर हमको लोग मिल जाएं तो वो थोड़ा सा व्लॉग में जो है वो दिलचस्पी बढ़ जाती है। तो ये जो आप आंटीज देख रहे हो ना, ये यहाँ पर आपको सर्विसेज देती हैं, जैसे कि मसाज वगैरह, और आप इनसे मसाज वगैरह करवा सकते हो। और कि जी बने रहे व्लॉग में, देखते हैं और मज़ेदार, क्योंकि उनसे कहने से आपको बताया मैं पहले बीच के साथ साथ होते हुए गया, अब मैं लोगों के क्या करूँगा कि बीच होते हुए जाऊँगा, और वो भी एक अलग नज़ारा होगा देखने। तो यहाँ बीच में ही आपको एक अच्छी सुंदर सी भैया की दुकान मिल जाएगी, तो इफ़ यू वांट ऐसा ड्रेस वगैरह, अगर आप भूल गए हो कि आपने वो ड्रेस लाना था, अगर आप भूल गए तो आप वो सारा ड्रेस जो है वो ला सकते हो। सो या दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग, जैसे आप देखिए तो ये रेस्टोरेंट ऊँचा है, राइट, और ऊँचा होने की वजह से ढलान की इसको कुछ लोग ढलान की। यहाँ से एक और होटल शुरू हो जाता है, रेस्टोरेंट माफ कीजिएगा, और पीपल आर ईटिंग देयर, एंजॉइंग ईटिंग एंजॉइंग इनसाइड द रेस्टोरेंट। इफ यू लाइक दैट यू कैन सिट आउटसाइड द रेस्टोरेंट, वो आपकी इच्छा। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो मे बी जब थोड़ा और अंधेरा होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 6 बजे हैं यहाँ पर, तो जब थोड़ा और अंधेरा हो जाएगा तो शायद लोग नहा के सब स्विमिंग करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो दैट्स ऑल्सो द वन ऑफ द रेस्टोरेंट हियर, लेकिन चलिए जी बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, कुछ लोग यहाँ पर बीच पे रेत पे ही बैठे हैं, एंड यू कैन सी द किड्स आर ऑल्सो एंजॉइंग। रेस्टोरेंट है, यहाँ भी लोग सामने बैठे हुए हैं, के लिए आप अगर बने रहे तो यहाँ से एंट्रेंस
इन रेस्टोरेंट्स की जो होगी यहाँ से होगी, और मेरे ख्याल में उस तरफ से भी होगी। और ये कुछ सर्फेस खींचने के लिए जी आपके लिए, तो ये थोड़े से रेस्टोरेंट नीचे हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। रेस्टोरेंट्स में आते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा पता कर लो, इवन आप बजट के हिसाब से, अगर आपके पास खुला रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी होता है ना कि थोड़ा बजट का, तो आप सभी चेक कर सकते हैं। और ऑल रेस्टोरेंट्स हैव अ डिफरेंट प्राइस रेंज, तो आप क्या कर सकते हो अपने हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि रिच की बात नहीं होती, लेकिन मतलब अननेसेसरी अगर आपको 10 की चीज़ सेम चीज़ वहाँ पर कहीं और 5 की मिल रही तो वुड यू स्पेंड। ये सभी बीच वाले हैं जो शायद लोगों को सर्विस देते हैं कि वो बोटिंग पे बना चाहते हो तो इनके पास जाते हैं शायद। यहाँ पर कुछ सेटिंग कर रहे हैं तो आई कैनॉट गो वेरी, बट फिर भी मैं इस साइड जाता हूँ। Alright guys, so ये जो उठा उठा के वहाँ पर ले जा रहे हैं, मुझे लगता है शायद के लहरें जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ने और बढ़ने लगी हैं शायद, मतलब इस ओर, या मेरे ख्याल से बंद करने लगे हैं क्योंकि अंधेरा भी होने लगा है। बीच पर आपको ये कुछ और चीज़ें मिलेंगी, आंटी कुछ कर रही है यहाँ, और ये मक्की का सीज़न है, और इस सीज़न में मक्की सो इस सीज़न में भी आपको मक्की यहाँ पर मिल जाएगी आराम से, आराम जो है मक्की भी है। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक थोड़ा और वेट कीजिए, मैं थोड़ा सा और ब्लॉग आपके साथ जो है वो साझा करना चाहता हूँ। थोड़ी जगह रह गई है जिसमें आपको कहा कि मैं आपको बीच के रास्ते से भी लेके जाऊँगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ड्रेसेस वगैरह भी हैं यहाँ पे शॉप्स, लेट मी जस्ट गो देयर एंड यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है, और इसके साथ ही मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये। सो इनकेस अगर आप भूल चुके हो कि आपको कोई गोवन ड्रेस चाहिए, गोवन ड्रेस इन द सेंस कि मतलब गोवा वाली जो मोस्टली लोगों का माइंड सेट है कि ऐसी ड्रेसेस होती हैं, सो यू कैन बाय फ्रॉम हियर आल्सो। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द टाइम टू एंड दिस व्लॉग। ये था सारा हमारा अंजुना बीच का व्लॉग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्जॉय किया हमारा व्लॉग। सो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बाय बाय।